महिला के साथ अमानवीय कृत्य की सभी हदें पार। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत भेलकी ग्राम में जमीनी विवाद के चलते आरोपियों द्वारा महिला के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में संबल लोहे की रॉड डाल दिया गया है, जिसे गंभीर हालत में सीधे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसे रीवा रेफर कर दिया है। बताया गया है कि भेलकी ग्राम में आरोपी गण विवादित जमीन की ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे, तभी महिला ने मना किया। इस बात से आक्रोशित होकर आरोपियों ने महिला के साथ अमानवीय कृत्य जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, जिससे सीधी जिला में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जमीनी विवाद के चलते खेत में ही उसकी बेदम पिटाई करने लगे। वह चिल्लाती चीखती रही पर कोई सुनने वाला नहीं था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में सबल लोहे की रॉड को डाल दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इतने में ही जब आरोपियों का मन नहीं माना तो उसे जान से खत्म कर देने की बात को लेकर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे उसका पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मामले की रिपोर्ट जमोड़ी थाने में दर्ज कराने पर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। सीधी मध्य प्रदेश से विजय तिवारी की रिपोर्ट। कहां से आप लोग? सीधी जिला से आए हैं। हमारी माता जी हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये है कि हमारी माता जी के साथ मारपीट की गई है, जानलेवा हमला हुआ है सर जी। सर, हम घर पर नहीं थे और हमारे पड़ोसी लोग हैं, पहले से कई बार धमकी दिए हैं, मारपीट भी कर चुके हैं। कई दर्जनों, कम से कम 1000 उस पर रिपोर्ट है SP कलेक्टर और जमुड़ी थाने में, लेकिन सर वो लोग माफिया हैं, पहले से पैसे में बिकी हुई है पुलिस उनके। विवाद क्या हुआ? विवाद ये हुआ था कि हमारे कब्जे पट्टी, हमारी मम्मी की खरीदी हुई ज़मीन है वहाँ पर, वो लोग जबरदस्ती उसमें अतिक्रमण कर रहे, घर और गिराए थे, मवेशी हमारे बधे हुए थे, तो मम्मी हमारी देखी, मम्मी पापा तो अपने मवेशी छोड़ के भाग रहे थे कि हम निकल जाएँ कहीं और लोग मार डालेंगे। तो उसने क्या किया कि 10 लोग वहाँ पर थे, पहले 10-12 लोग, दर्जन भर महिलाएं पुरुष थे, तो थोड़ा सा नाला टाइप का पड़ता है उस घर में। जब मम्मी हमारी गई तो उसमें उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, मारपीट करके उसको बहुत गंभीर तरीके से मारे, और देखे फिर भी नहीं मरी, तो फिर उन्होंने प्राइवेट पार्ट में राड डाल दिए, पब्बर जिसको बोलते हैं लोग, पब्बर डाल दिए तो बेहोश हो गए। बेहोश हो गई तो फिर उसने क्या किया कि अपना जो ट्रैक्टर थे वो अतिक्रमण कर रहे थे हमारे लोग, फिर उसने लाया तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, एक पाँव यहाँ पर चढ़ा है तो उसमें चढ़ गया टायर अगला था, और वो छोड़ के मर कोचे मर गई तो वो छोड़ के भाग गए। फिर हम ये आरोपी हमारे पड़ोस की हैं, अनिल जायसवाल है, राममण जायसवाल, द्वारिका केवट हैं, श्रीनिवास, संजू। पुलिस ने कल तो शायद उठा के ले गई थी, हम तो यहाँ सर चले आए थे, और कुछ लोग भी बाहर घूम रहे हैं, और वहाँ अभी बहुत नाजुक है हालत। पिताजी के भी साथ मारपीट हुई? पिताजी भाग लिए थे वहाँ पर, फिर जब यहाँ छोड़ के लोग भाग गए तो मम्मी जी को उठा लाए, नहीं तो उनको ही मार डालते थे। बहुत हमारे पिताजी को यानी बहुत कमज़ोर टाइप, उनको TB का मरीज। नहीं सर, वहाँ पर हमारे जिला चिकित्सालय सीधी में ले गए थे, वहाँ पर उन लोगों ने रेफर कर दिया यहाँ के लिए, वहाँ वो बस नहीं तो क्या बेहोश पड़े थे, उसमें प्राइवेट पार्ट से ब्लड नहीं बंद हो रहा था सर, वहाँ पर तो पूरे जहाँ जहाँ से लेके आए पूरे 100 नंबर गए थे लेने, पूरी बिल्कुल लथपथ हो गए थे उसमें से। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।